हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। वेलकम टू माय स्मार्ट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दिस इज मंजीत और हमारी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वन ऑफ द लार्जेस्ट डॉग ब्रीड के बारे में, जो है ग्रेट डेन। तो दोस्तों, वीडियो में जो आप लोगों को दिख रहे हैं, ये दोनों ही डॉग सेल के लिए हैं। जो ब्लैक है वो फीमेल है और जो सेकंड है वो है मेल। ग्रेट डेन एक मस्टिफ टाइप की डॉग ब्रीड है, जिन्हें छोटे घरों में रखना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अगर आपके पास बड़ा सा बैकयार्ड या फिर बड़ा सा घर है तो ही आप लोग इन डॉग्स को परचेज करें। और इनका बड़ा साइज होने की वजह से इन्हें हर रोज कम से कम 30 मिनट की एक लंबी वॉक जरूर कराएं। ग्रेट डेन को जेंटल जाइंट भी कहा जाता है और ये चाइल्ड फ्रेंडली डॉग्स होते हैं, तो छोटे बच्चों के साथ इन्हें खेलना बहुत ही अच्छा लगता है। और सिर्फ छोटे बच्चों के साथ ही नहीं, अगर आप लोग इन्हें अच्छे से सोशलाइज करोगे तो ये दूसरे एनिमल्स के साथ भी काफी फ्रेंडली बिहेव करते हैं। और फ्रेंड्स, ग्रेट डेन को परचेज करने से पहले आप लोग इस बात को जान लें कि ग्रेट डेन को काफी ज्यादा भूख लगती है और अगर इन्हें खाना नहीं मिलता तो ये बहुत ही बेचैन हो जाते हैं। और दोस्तों, ग्रेट डेन बहुत ही फ्रेंडली और प्लेफुल डॉग्स होते हैं और इन्हें ट्रेन करना भी बहुत ही इजी है। पर कुछ ग्रेट डेन ऐसे भी होते हैं जिन्हें ट्रेन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वो हमेशा खेलने के मूड में होते हैं। और ग्रेट डेन के शॉर्ट कोट की वजह से इन्हें रेगुलर ग्रूमिंग की जरूरत भी नहीं होती। ग्रेट डेन आप लोगों को बहुत से अलग अलग कलर्स में देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों, ग्रेट डेन काफी अच्छे गार्ड डॉग्स होते हैं और दूसरे बड़े डॉग्स की तरह ये भी सोते टाइम काफी खर्राटे लेते हैं। इनका बड़ा साइज होने की वजह से बहुत से लोग इन्हें देखकर डर जाते हैं कि कहीं ये अटैक ना कर दे, पर ग्रेट डेन बहुत ही फ्रेंडली डॉग्स होते हैं। और दूसरे डॉग्स की तरह ग्रेट डेन भी अपनी फैमिली और ओनर के बहुत ही वफादार होते हैं। और अगर इनकी हाइट के बारे में बात करें तो ग्रेट डेन की जो एवरेज हाइट होती है वो 32 से लेके 35 इंचेस तक होती है और इनका एवरेज वेट 45 से लेके 55 किलो तक आराम से हो सकता है। तो फ्रेंड्स, पपीज की क्वालिटी तो आप लोगों ने देख ही ली है। अभी जो आप लोग देख रहे हैं, ये इन पपीज की मदर है, तो इसकी क्वालिटी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और अगर मेरी इन्फॉर्मेशन के अलावा आप लोगों को और कुछ भी पूछना है तो उसके लिए आप लोग डॉग ओनर से बात कर सकते हैं। उनका कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग और किसी भी डॉग ब्रीड के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या फिर उन्हें परचेज करना चाहते हैं तो इस चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर प्रेस करके उसे ऑल पर करें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए अब बात करते हैं इन पपीज की बाकी की इन्फॉर्मेशन के बारे में, इनकी एज, प्राइस और लोकेशन। तो दोस्तों, अगर इसकी एज के बारे में बात करें तो ये पपीज 50 डेज के हो चुके हैं और इनकी जो लोकेशन है वो है दिल्ली NCR से। डिलीवरी आप लोगों को इन पपीज पे अवेलेबल नहीं मिल पाएगी, तो आप लोगों को डायरेक्ट विजिट करके इन्हें परचेज करना होगा। तो फाइनली बात करते हैं इन पपीज के प्राइस के बारे में। तो गाइज, ओनर ने जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की है 17,000 रुपीज, 17,000 रुपए, और फीमेल की है 13,000 रुपीज, यानी 13,000 रुपए। और अगर आप इन दोनों पपीज को एक साथ परचेज करते हैं तो प्राइस और भी कम हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इन पपीज की क्वालिटी और इनका प्राइस आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जल्दी ही मिलते हैं हमारी एक और न्यू वीडियो में एक और न्यू डॉग के साथ। सो तब तक कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड बाय।